मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि एक इनके ओवरसीज फ्रेंड्स के एक बड़े ओवरसीज फ्रेंड्स के बड़े नेता हैं, ओवरसीज फ्रेंड्स के नेता हैं, और जब समय आता है तो पार्टी से निकाल देते हैं और समय निकल जाता है तो फिर पार्टी में ले आते हैं। और वो वैसे जयराम रमेश जी के साथ मिलते जुलते हैं, मैंने नाम ही नहीं लिया, मैंने कहा जयराम रमेश जी से मिलते जुलते हैं। और वो क्या कहते हैं कि भारत एक सेकंड, मुझे नहीं लगता कि सृष्टि में कोई भी व्यक्ति जयराम जी से मेल खाता हो। मुझे नहीं लगता, जयराम जी अद्भुत है, मुझे नहीं लगता। ठीक है, आई टेक बैक माय वर्ड्स सर। कल यहाँ पर मूर्तियों की चर्चा हुई और खड़गे साहब ने बिल्कुल प्रेरणा स्थल के बारे में चर्चा करते वो कोने में डाल दिया। मैं चाहता हूँ कि आप भी प्रेरणा स्थल जाइए, सच में प्रेरणा मिलेगी। और देखिए वहाँ पर क्या प्रेरणा मिलती, एक नहीं अनेक मिलते हैं। लेकिन आपको मूर्तियों के बारे में आप जब कल कह रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आप अपनी जवानी में, यंगर डेज में, आप एकदम कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान अपने संसद के सामने खड़े। सर, जय प्रतिपक्ष के नेता जी कंटिन्यूज टू बी यंग इवन नाउ, तो ये कहना कि जवानी के दिन में ये भी दिस इज नॉट गोइंग रिकॉर्ड। उस समय के जवान ऐसा उस समय के जवान जब थे तो उस समय सब चीजों को करते होंगे और बहुत अच्छे से देखते होंगे। पर मैं इनको बताना चाहता हूं कि आपको मूर्तियों की इतनी चिंता हुई तो ये जो 20 साल आजादी के बाद ये जो राजपथ पर जॉर्ज पंचम विराजमान थे उसके बारे में आपने क्यों नहीं चिंता की? सभापति जी, मैं पूछना चाहता हूं। बट सर, योर कनेक्शन विद जयराम नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। यू सेड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही हैड अ बुक रेडी। ही वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑन हेल्थ। तो हम ये कहना चाहते हैं कि संविधान, अब ये संविधान में मैं कई बार बोला कि भाई ये संविधान सबके हाथ में तो थमा दिया, अंदर पढ़ने के लिए भी कहा है क्या? कभी बताया है कि संविधान की धज्जियां किसने उड़ाई और एक बार नहीं अनेकों बार उड़ाई? सभापति जी, ये संविधान लेके चलना और संविधान की रक्षा करना और संविधान के लिए तिल तिल जलना, इसमें बहुत अंतर है। संविधान को जीना बड़ा कठिन है, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। 1990 में आई वॉज मेंबर ऑफ लोकसभा। 1990 के दो महीने बहुत महत्वपूर्ण है। मार्च के महीने में लंबे अंतराल के बाद भारत रत्न उनको दिया गया और अप्रैल 1990 में सेंट्रल हॉल में उनका पोर्ट्रेट अनवील किया गया। और पोर्ट्रेट अनवील करते समय ये ध्यान रखा गया कि पोर्ट्रेट्स का मूवमेंट कैसे हो। और तब मैंने जानकारी की कि जब से सेंट्रल हॉल में पोर्ट्रेट लगे हैं उनका मूवमेंट होता रहा है, कभी कोई मुद्दा नहीं उठा। आपने 1993 की बात की, शायद आप भी उस समय विधायक होंगे, मैं भी विधायक था। जो आपने कहा मैंने भी आंखों से देखा है। मैं कांग्रेस पार्टी का विधायक था और कांग्रेस पार्टी से मेरा गहरा नाता रहा है। स्वीकार नहीं, मैं कभी कोई चीज को स्वीकार करने से हिचकिचाता नहीं। पर एक समय था जब मैंने ये कहा था, जिसकी बड़ी कोशिश कर रहे हैं जयराम जी, कि जगदीप धनखड़ जब राजस्थान विधानसभा का सदस्य था तो आरएसएस के बारे में क्या कहा, मैं बता। सुनो, मुझे पता है आपकी पार्टी के अंदर इतनी गोपनीयता नहीं है कि मुझे नहीं पता लगे। सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, माने नड्डा जी, मैं बताना चाहता हूं कि आज से करीब 25 साल पहले
सदस्य न होने के बाद मैं आरएसएस का एकलव्य बन गया। और क्यों बना? तपस्वी लोग हैं, राष्ट्रभक्त हैं, समर्पण की भावना उत्कृष्ट है, दूसरे विचार को ग्रहण करते हैं। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि खुद के अलावा देश की सोचते हैं, समाज की सोचते हैं। तो आप वो एक्सरसाइज बंद कर दो, मैंने कह दिया है। मैं ये तो कह रहा हूं, मैं एकलव्य तब नहीं था, मैं एकलव्य बनाऊं 25 साल पहले। सुनो, आप समझ नहीं रहे मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि एकलव्य बनने में मुझे समय लगा, वाल्मीकि जी का भी परिवर्तन हुआ था। और जब से मेरा परिवर्तन हुआ नड्डा जी, जब से मेरा परिवर्तन हुआ, मेरे मन में एक टीस सदा रही कि मैंने प्रथम वर्ष क्यों नहीं किया, द्वितीय वर्ष क्यों नहीं किया, तृतीय वर्ष क्यों नहीं किया। मैं कहता रहा, धारा 356 वॉज इम्प्लीमेंटेड 90 times, 90 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, 90 बार। 50 बार इंदिरा गांधी जी ने लगाया और 8 बार जवाहरलाल नेहरू जी ने लगाया, बाकी बचा राजीव गांधी जी ने लगाया। ये संविधान के रक्षक हैं, चुनी हुई सरकारों को एक नहीं 90 बार गिराया है, प्रजातंत्र का गला घोटा है, ये संविधान के रक्षक बन गए। अरे डायरी नुमा कॉन्स्टिट्यूशन को रख लेने से संविधान के रक्षक नहीं बनते, संविधान के रक्षक बनने के लिए उसकी आत्मा को जीना पड़ता है। और हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी ने 10 साल प्रधानमंत्री बतौर चलाया है, सिवाय जम्मू कश्मीर में, वो भी कंडीशनल, और पार्लियामेंट में कह करके एक भी जगह राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया और चुनी हुई सरकार नहीं। आप वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे हैं, आपको मालूम है बंगाल में क्या क्या हो रहा है। आप जानते हैं अच्छी तरीके से किस तरीके से मानवता का गला घोटा जा रहा है, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को जियोपर्डाइज किया जा रहा है, किस तरीके से होस्टेज बनाया जा रहा है। अभी अभी फ्लॉगिंग की एक ताजा मिसाल है, एक शब्द नहीं बोला जाता है विपक्ष, एक शब्द नहीं बोला जाता है, एंड दे आर कॉल्ड एज द चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी। ये अपने आप को प्रजातंत्र के चैंपियन कहते हैं, एक शब्द नहीं कहते हैं।